हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों अनादिकाल से भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक शक्ति उपासना की परंपरा रही है। इसलिए शक्ति के अनेक उपासना केंद्र और अर्चना स्थल भी स्थापित हैं। इन उपासना स्थलों में शक्ति के 51 महाशक्ति पीठों का अपना विशेष महत्व है। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस देवी शक्ति पीठ मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो है संगम नगरी प्रयागराज स्थित माँ कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर। प्रयागराज में माँ कल्याणी जी का शक्तिपीठ अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। प्रयाग महात्म में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तंत्र चूड़ामणि में इनका वर्णन आया है। ये ललिता माता का शक्तिपीठ है। स्पष्ट आया है, प्रयागे ललिता देवी कल्याणी तिथि गीयते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेशाम सर्वकामदा। अर्थात मैं प्रयाग माँ ललिता कल्याणी माँ के नाम से विख्यात होंगी, इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों माँ कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी का मंदिर यमुना नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज शहर के सबसे पुराने मोहल्ले कल्याणी देवी में स्थित है। भक्तों प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 आरतियां होती हैं। प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी माता मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं में होड़ सी मच जाती है। संध्या आरती के पश्चात विभिन्न वाद्य यंत्रों सहित महिलाओं द्वारा माता कल्याणी का भजन कीर्तन किया जाता है, जो मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देता है। भक्तों यदि आपको प्रयागराज के कल्याणी देवी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर देगा। भक्तों अगर आप प्रयागराज में कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों अगर आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों अगर आप कल्याणी अर्थात ललिता देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय स्थल हैं, जहां आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों अगर आप प्रयागराज पहुंचकर माँ कल्याणी देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।